हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली के बारे में है। और इसमें आपको बताने वाले हैं कि जहां पर प्रथम चरण की काउंसलिंग होनी है, यानी कि ऐसे नियोजन इकाइयों के नाम बताने वाले हैं, चाहे वो 1 से 5 हो और चाहे 6 से 8 हो, ठीक है। तो इन जिलों में जो है अभी प्रथम चरण की काउंसलिंग होनी बाकी है। इनकी सीटों का ब्यौरा किसी के पास होगा तो वो जानता होगा, नहीं तो हो सकता हो कि नया ब्यौरा जो है, नई सीटों का ब्यौरा जो है जारी किया जाए जैसे पहले किया जाता था। तो इसमें जो है 1 से 5 और 6 से 8 के जो जिले हैं जहां पे जो है काउंसलिंग होनी बाकी है, यानी वहां पहले चरण की काउंसलिंग जो है अभी होगी, क्योंकि पहले वहां काउंसलिंग नहीं हुई थी। तो इसकी सीटों का ब्यौरा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका सीटों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है, कुछ का है लेकिन सारे का नहीं है। तो रिपोर्ट जब आएगी बिहार शिक्षा विभाग से तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि किन किन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 से 5 नगर निकाय। 1 से 5 नगर निकाय में भागलपुर नगर निकाय जितने भी हैं वहां काउंसलिंग होनी है, भोजपुर में होनी है, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर और नवादा, यानी कि यहां पर अभी प्रथम चरण की नगर निकाय की जो काउंसलिंग है 1 से 5 सब्जेक्ट के लिए, समान शिक्षक और उर्दू बांग्ला विषय के लिए, ये अभी बाकी है। यहाँ पहले चरण की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर जो है सारे अभ्यर्थी जा सकते हैं, चाहे वो पहले चरण की काउंसलिंग में भाग लिए हों या ना लिए हों, सब जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 से 5 प्रखंड में जहां पे पहले चरण की काउंसलिंग अभी होनी है, क्योंकि पिछली बार यहाँ काउंसलिंग नहीं हुई थी, उसमें जो जिले हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल, तो यहाँ पर जो है 1 से 5 की जो है काउंसलिंग अभी होनी बाकी है प्रखंड स्तर की, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले चरण की काउंसलिंग है। जब ये पहले चरण की काउंसलिंग कंप्लीट होगी तो इसका जब दूसरा चरण चलेगा तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 6 से 8 में जो प्रखंड हैं उनकी जो है यहाँ पे हम बता देते हैं कौन कौन से जिलों में 6 से 8 प्रखंड की जो है काउंसलिंग इससे पहले नहीं हुई थी। यहाँ पर पहले चरण की काउंसलिंग होने जा रही है, जिसमें जिले हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर और सारण, ठीक है। तो यहां पर भी पहले चरण की काउंसलिंग होनी है। तो अब इसमें जिन जिलों का नाम मैंने नहीं लिया है उन सभी जगहों पे पहले चरण की काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है। और यहां पर ये जो जिले हैं इन पे पहली बार काउंसलिंग इस बार होगी। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो है यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। अब आपको जिले जो है पता चल गए हैं, क्योंकि जो है डाटा शीट में जिले दिए हुए थे लेकिन लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, देखते नहीं है, छांटते नहीं है, बहुत सारे लोगों को डाटा शीट नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे जिलों के नाम बता दिए, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग अभी होनी है पहली, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे सीटें आपको ज्यादा मिलेंगी, और जब यहाँ पे आपको सीटें ज्यादा मिलेंगी तो आपकी नौकरी की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय दीजिए, धन्यवाद।